हेलो स्टूडेंट्स, सो CUCET की एडमिशन सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार जो टेस्ट होने वाला है उसको हम नाम दे रहे हैं CUET, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है इसके रिगार्डिंग कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। CUCET की वेबसाइट की अगर अपन बात करें तो जो वेबसाइट है 15 मार्च को लास्ट अपडेट हुई है। इट्स ओके। अब हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आसाम के बारे में, या फिर आप उसको जो है आसाम यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं। दिस इज एन सेंट्रल यूनिवर्सिटी और यार ये जो है सेंट्रल ऑफ इंडिया के अंडर में चलती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन एंड जस्ट लाइक जो भी है क्लब। ओके, सो इसकी जो भी सारा डिसीजन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है, यानी कि केंद्र सरकार के अंडर में आता है। अब इसके लिए आपको कितने मार्क्स लाने होते हैं, CUCET टेस्ट के थ्रू आपको कौन कौन सी ब्रांचों में इसके अंदर एडमिशन मिल जाता है, सो इसके अंदर जो आप अपन कंप्लीट के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो में जो है आप लोग एंड तक जरूर बनिएगा। ओके, तो चलिए इसके लिए हम इसकी वेबसाइट पे चलते हैं। ओके गाइज, सो यार ये जो असम विश्वविद्यालय है ये दिस इज एन सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड एस्टेब्लिश्ड बाय एक्ट ऑफ एन पार्लियामेंट। ओके, संसद के एक नियम के द्वारा इसको जो है चलाया गया था। अब इसकी अगर अपन बात करें एंट्रेंस टेस्ट की, आपको एंट्रेंस टेस्ट में कितने से कॉलेजों में इसको किस किस ब्रांच में इसमें एडमिशन हो पाएगा, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें ज्यादा कुछ जो है एडमिशन ऑलमोस्ट जो सारे के सारे एडमिशन होते हैं ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो उधर की साइड के जो बच्चे हैं एटलीस्ट उनको जो है ये डायरेक्ट एंट्रेंस का मौका दिया था पिछले साल, जो कि हम जो राजस्थान गुजरात इधर के जो बच्चे हैं इनके लिए कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। इसके लिए बाद में जो है CUCET के टेस्ट के थ्रू ये कुछ कुछ बच्चों का कुछ कुछ ब्रांचों के अंदर एडमिशन लिया था, यानी कि फुल्ली जिस प्रकार से हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान लेता है वैसे ये नहीं लिया था 2021 के अंदर। 2022 में देखते हैं ये किस प्रकार से अपने रूल एक्ट बनाता है, तो इसके बारे में तो जस्ट अभी जो प्रॉपर क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है और इसके लिए कितने मार्क्स चाहिए स्पेशली। यार आपका जो टेस्ट होता है CUCET का 400 मार्क्स का टेस्ट होता है, NTA का अगर आपके 250 प्लस अगर मार्क्स आ रहे हैं तो यू आर वेल एंड गुड। ओके, और अगर उससे थोड़ा कम है तो आपके एडमिशन के चांसेस बहुत ही कम है गाइस। ओके यार, अभी जो ये असम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ असम, इसके जो है MBA के जो फॉर्म होते हैं वो आई थिंक चल रहे हैं और लगभग जो है 21-22 तारीख तक चलने वाले हैं, और वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग ये दिया गया कि 24 मार्च को इसके एग्जाम है, 22 मार्च तक अप्लीकेशन फॉर्म चल रहे हैं। तो यार ये क्या सिस्टम है, मतलब 21 एक दिन के अंदर 23 तारीख को एडमिट कार्ड मिलेगा 24 को एग्जाम हो जाएगा, क्या सारा सीन है वेबसाइट पे, मतलब कैसा भी कुछ भी लिख देते हैं ये लोग, क्या ही कहें बिल्कुल हम। ओके, तो हम इसके जस्ट कुछ इंपॉर्टेंट मेन्यूज की अगर अपन बात करें तो यार एटलीस्ट जो भी बच्चे बेचलर हैं और वो चाहते हैं कि आप इसमें एडमिशन ले तो दिस इज नॉट सफिशियंट फॉर CUCET। स्पेशली ये जो अपना स्पेशल एग्जाम भी कंडक्ट करवाया था पिछले साल, लेकिन जो ये जो एग्जाम था वो उधर की साइड के जो बच्चे होते हैं उनका ही एग्जाम था, ठीक है। हमारे जो इधर जो बच्चे जयपुर है सो राजस्थान है इधर पंजाब हरियाणा इधर साइड से हैं तो उनके लिए एग्जाम नहीं होता है। ओके, देन रही बात ये लोग कुछ जो MTech वगैरह जो भी अदर जो कोर्सेस होता है PG कोर्सेस उसके लिए ये लोग जो है CUCET बच्चों को हायर करते हैं, जस्ट लाइक जो इंजीनियरिंग एंड अदर अदर है उसके लिए ये लोग CUCET से बच्चे नहीं लेते हैं, ऑलमोस्ट कंडीशन के अंदर ले भी लेते हैं कभी कभी, ठीक है। जैसे कि पिछले साल नहीं लिए थे और मतलब बहुत ज्यादा ढीले चलने वाले लोग आए हैं, ठीक है, उतनी ज्यादा अच्छी केयर नहीं है। जस्ट लाइक अगर अपन कंपेयर करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ असम, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान को मैं 10 नंबर दूंगा और असम को मैं 0 नंबर दूंगा, असम फेल हो गया, ठीक है। तो यार इस प्रकार की कंडीशन है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ असम की। ओके, और आई थिंक जितने भी कॉलेज है सारे के सारे बेटर कॉलेज है, लेकिन ये वेबसाइट पे मतलब लोगों को जानने के लिए इन्फॉर्मेशन तक नहीं देता, इसकी वेबसाइट चलते ही नहीं है, तो आप क्या ही एक्सेप्ट कर सकते हो ऐसे यूनिवर्सिटियों में पढ़ के, आप कहाँ पे मतलब बिजनेस कर सकते हो या फिर अंबानी टाटा बन सकते हो। दिस इज नॉट सफिशियंट फॉर योर लाइफ, सो यू कैन फॉरगेट नाउ एंड कैंसल द असम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ असम, एंड दिस इज रियली आई थिंक आई नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन आप जो है फुल रिसर्च करके ही किसी कॉलेज में जाए, ऐसे मतलब मुंह उठा के किसी भी कॉलेज में ना घुस जाए, दिस इज वेरी बैड।
ओके गाइस, थैंक यू सो मच। और जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनका क्या प्रोसेस है, उनके लिए कितने मार्क्स आपको लाना है, सबका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर सीयू सीटी केवीपीवाई जेई एंड अदर गुड इंजीनियरिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।